हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैरियर में। हम लोगों ने विकास के जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे उनका अध्ययन कर रहे थे। पियाजे हो गए थे, लेव वाइगोत्स्की हो गए थे, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए थे। उसी के आगे आज देखते हैं जीरोम ब्रूनर का विकास का सिद्धांत। हेडिंग डालेंगे हम लोग जीरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत देखते हैं। जीरोम ब्रूनर ने विकास के सिद्धांत में किसके बारे में चर्चा किया है? तो जीरोम ब्रूनर अमेरिकी विज्ञानी थे। जीरोम ब्रूनर कहां के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जीरोम ब्रूनर कैसे वैज्ञानिक थे? ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आइए देखते हैं ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जीरोम ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो जीरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं जीरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया कितने चरणों में दिया है। तो जीरोम ब्रूनर ने तीन चरणों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। देखते हैं ये तीन चरण कौन कौन से हैं। नंबर एक क्रियात्मक से तात्पर्य है, इसकी एज पहले लिखते हैं। क्रियात्मक की एज क्या होती है? जब जीरो से डेढ़ वर्ष का जब बालक होता है तो बालक क्रिया करता है। मतलब क्रिया के माध्यम से या मांसपेशियों के माध्यम से बालक का जो विकास होता है उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्रिया के माध्यम से या मांसपेशियों के माध्यम से जो विकास होता है उसे क्रियात्मक विकास, उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास की एज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रियात्मक अवस्था कितने एज की होती है। तो 0 से 1.5 वर्ष की होती है, यानी क्रिया के माध्यम से या मांसपेशियों के माध्यम से जो बालक का विकास होता है उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नंबर एक पे क्रियात्मक हो गया, नंबर दो पे हेडिंग डालेंगे प्रतीकात्मक। आइए देखते हैं जब प्रतीकात्मक में क्या होता है। प्रतीकात्मक में होता है एज, पहले इसकी लिखते हैं। प्रतीकात्मक की एज है 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक। जब बालक मूर्त या अपने हाव भाव प्रतिमा के द्वारा प्रकट करता है, जब बालक अपने हाव भाव या प्रतिमा का अनावरण मूर्त रूप से करता है तो उसे प्रतीकात्मक कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जब बालक प्रतिमा का अनावरण मूर्त या अपने हाव भाव के रूप में करता है, मूर्त या अपने हाव भाव अपने हाव भाव रूप में प्रदर्शित करता है हाव भाव रूप में प्रदर्शित हाव भाव रूप में प्रदर्शित करता है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रतिमात्मक का मतलब क्या होता है? जब बालक एज इसकी होती है 1.5 से 6 वर्ष, जब बालक प्रतिमा का अनावरण मूर्त रूप में या अपने हाव भाव के रूप में व्यक्त करता है
तो इसे प्रतीकात्मक कहते हैं। तो क्रियात्मक क्रिया के माध्यम से 0 से 1.5 वर्ष तक और प्रतीकात्मक 1.5 से 6 वर्ष तक। आइए देखते हैं तीसरा क्या दिया है, इसको इरेज करते हैं। तीसरा है संकेतात्मक, तीसरा है हेडिंग डालेंगे संकेतात्मक, तीसरा हेडिंग डालेंगे संकेतात्मक, संकेतात्मक। देखते हैं बालक का जो संकेतात्मक, पहले इसकी एज लिखते हैं संकेतात्मक की 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद जो बालक का विकास होता है वो संकेतात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो जो संकेतात्मक अवस्था है इसमें बालक संकेत के द्वारा किसी भी चीज को सीखता है। जैसे बालक से बोल दीजिए वो क्या है, तो बालक मूर्त कर चुका है, मूर्त कर चुका, उसके बाद संकेत के रूप में व्यक्त करता है। तो इसमें क्या होगा कि जब बालक भाषा का प्रयोग संकेत के रूप में करने लगता है, क्या लिखेंगे, बालक जब संकेत के रूप में, संकेत के रूप में वस्तुओं को समझने या वस्तुओं को समझने या सोचने का, समझने या सोचने का विकास हो जाता है, सोचने या समझने का विकास हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या है संकेतात्मक। संकेतात्मक की एज 6 से 6 वर्ष के बाद होती है, जब बालक संकेत के द्वारा किसी वस्तु को समझ जाता है। जैसे आगे रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब बालक रुक जाएगा, ग्रीन लाइट जल गई तो ये संकेत है, तो ग्रीन लाइट जल गई तो बालक चला जाएगा। इसी हिसाब से बालक संकेतात्मक अवस्था 6 वर्ष के बाद करना प्रारंभ कर जाता है। ब्रूनर ने के अनुसार चिंतन का विकास संकेत प्रतिमा पर आधारित है। नोट बना के लिखेंगे, एक नोट है इसमें, इंपॉर्टेंट नोट है। ब्रूनर के अनुसार संकेतात्मक मतलब चिंतन का विकास, ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास संकेत प्रतिमा पर आधारित है। संकेत प्रतिमा पर आधारित है, संकेत प्रतिमा पर आधारित है। तो इसका मतलब ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास किस पे आधारित है, संकेत पे। संकेत पे क्यों आधारित है, क्योंकि बच्चा अब संकेत के माध्यम से सीख सकता है। दोस्तों आज हमने जिरोम ब्रूनर का विकास पढ़ लिया है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अधिगम। अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।